तो वह चूल्हों को बाजरा डाल देते हैं। देखो देखो मोबाइल पे चढ़ गया था। इसे देखो गाइस क्या हो रहा है। हम तो मिट्टू को भी बेड डाल लेते। तो गाइस धोए थे ये बेड मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मिट्टू कैसे देख रहे हैं मिट्टू? मिट्टू मिट्टू गुस्से से देख रहे हैं। इधर पटेरों को भी देखते हैं। हेलो, ये हमारी भाई गंजी पटेरी है। अब दाना खत्म है तो दाना डाल देते हैं बाजरे। बेर गीला तो हाथ नहीं चक्कर गया बाजरा। कुमरों का बच्चा भी दिखा देता हूँ। ये बैठी हुई है इसके ऊपर। अब मेड और फीमेल, ये बैठी हुई है अब फीमेल डव। दिखाता हूँ एक मिनट। ये है जी माशाल्लाह आगे। तो गैस कुमरों का भी दाना ख़त्म हो गया, ये भी डाल देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुल्ताना वो अंडे दिए, कितने महीने हो गए इसने अंडे नहीं दिए। तो मैंने सोचा कि इसके नीचे ना देसी अंडे रख देते हैं। हमें वो देसी अंडे मंगवा लिए। तो गैस मैं उनके नीचे अंडे रखने लगूँ तो वो काफ़ी ध्यान से रखना पड़ेगा अंडा छुपा के। इसको इसको अंडा चलो चलो। ये जी सुल्तान हमारा, और सुल्ताना बैठी हुई है। वो सुल्तान को गुस्सा आया हुआ है। सुल्तान फुल गुस्से में है। अच्छा फीमेल को आगे हाथ लगाया था ना पहले, इसलिए गुस्से में आ गया। तो गाइस इन्हें भी अभी बाहर निकालते हैं हम, तो इनके नीचे हम रखने हैं। निकाल देते हैं हम और फिर इनके नीचे अंडा रखते हैं। तो गाइस सुल्तान को बाहर निकाल देते हैं तो फिर उसके नीचे बाद में रख देंगे, क्योंकि फिर ये गुस्सा करेगा हम पे। ये कांड करना होता है इसने बाहर आके। बस बना दिया काम इसने हमारा। ये तो भाई जी मैंने मंगवाए अपने दोस्त से देसी अंडे। देसी अंडे दिए इसने
इसके पास नहीं रखना। देसी अंडे एक गया था उसके पास, मुर्गे हैं ना अभी मेरे पास, मुर्गे इंशाल्लाह लेंगे देसी मुर्गे भी, नहीं तो इनका इंतजार करते हैं। ये काफ़ी अच्छी पैक यार, एक तो मैं चूहे में पंखा में टूटे ना बस। ये देखिए जिसने घास रखा हुआ मशीनी घास होता है, क्रैक वगैरह नहीं इसमें वगैरह बिल्कुल सही नहीं है। तो वो भी रखता हूँ मैं उनके नीचे वाले, देखूँ कैसे। तो वह सोच रहा हूँ मैं भी कैसे रखूँ इसके नीचे अंडे, इसको पानी देता इसके आगे पानी करता हूँ शायद फिर रख सकूँ। ये देखो सुल्तान आ गया उधर से, तो मैं इसके आ गया इसको इधर मुंह करता हूँ। यार इसे भी बाहर निकाल देता हूँ फिर मैं आराम से देख के रखूँ। इस मुझसे तो रखे नहीं जा रहे, मैंने पापा को बोला, पापा रखने वाले हैं इनके नीचे अंडे। बैठ गया उसमें तो गाइस एक हमने उठा लिया है क्योंकि दो भी शायद ना बैठ सके, तो एक पे बैठ जाएगी। तो गाइस फाइनली गाइस सुल्ताना अंडे पे बैठ गई है। तो गाइस मुर्गी के नीचे रखने से तो तकरीबन 21 दिन बाद निकल रहा बच्चा, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कबूतरी के नीचे रखने से कितने दिन बाद तकरीबन निकलेगा बच्चों का, अपने जरूर कमेंट करके बताना मुझे कि कितने दिन बाद निकलेगा। तो गाइस अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।